जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरेशियान में शाम के समय पुराने मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से पथराव व फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें छर्रे लगने से तीन व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए चंदोसी के संयुक्त चिकित्सालय में भेजा गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि मोहल्ला कुरेशियान में पुराने मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हो गई, जिसमें छर्रे लगने से तीन व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए चंदोसी के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तथा मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। मोहम्मद तौहीद असलम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कुरेशियान। क्या हुआ जो आपके चोट लगी है? कोई बात नहीं थी, मैं घर पर खड़ा था, अपने सांगवासी ने मेरे घर का दरवाजा खुलवाया, मैंने दरवाजा खोला, इतने में दानिश सालिम और दिलसाद और सद्दाम और सादात उवेश ये आए, इन दोनों पीछे से आके मेरे गोली मारी, एक निकल गई गेट में को मेरे, जैसे मैंने गेट बंद करा उन्होंने एक मार दी और दूसरा मेरे हाथ, दूसरा फिर मेरे हाथ पे मारा गोली। अच्छा, किस वजह से उन्होंने आपको गोली चलाई है? कोई पहले की रंजिश वगैरह? कोई रंजिश नहीं, मेरी तो रिश्तेदारी है सानू वासी से। और ये तुम्हारे सीने पर क्या चीज लगी है? गोली मारी है सर, ये हाथ में ही मेरे गोली मारी है, ये गोली। आज जो है मोहल्ला कुरेशियान में दो पक्षों में तासुरी झगड़ा फिर मारपीट हुई, उसके बाद आपस में जो है झगड़ा होने के बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें जो है खर्रे तीन लोगों के लगे, तो भी दानिश और इनको उपचार के लिए मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया, हालत सही है, कोई इशू नहीं है और बाकी विवेचना की जा रही है और तरीज की जा रही है, जो लोग शरीर में मिलेंगे उनको।